अगर आपको भी अपनी गाड़ी में हिंदू का स्टिकर या फिर कोई भी स्टिकर लगाना है अपनी गाड़ी में, तो पहले आप करना क्या है कि एक गाड़ी मंगा लेनी है। तो मैं यहाँ पर एक लेजेंडर मंगा लेता हूँ और वो SUV ही रहनी चाहिए। और फिर बाद में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद उस गाड़ी को ब्लैक कलर कर देना है और फिर उस फॉर्च्यूनर को या फिर किसी भी गाड़ी को हमको चलाकर आराम आराम से एक जगह लेकर आना है। तो हमको ज़्यादा ठोकनी नहीं है कहीं पर भी गाड़ी, आराम से लेकर आना है और फिर यहाँ पर आराम से खड़ी कर देनी है। तो मैं यहाँ पर गाड़ी ठीक से सही से खड़ी कर देता हूँ। तो अब हमें गाड़ी खड़ी करके अब यहाँ से उतरना है और एक नंबर डायल करना है। तो जैसा तो मैं यहाँ पर एक चीट कोड डायल करूँगा, तो मेरी गाड़ी में स्टिकर लग जाएगा। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जैसा कि मेरी गाड़ी में देख सकते हैं आप लोग कि हिंदू का स्टिकर लग चुका है। तो अब मैं इस तरीके से और भी गाड़ियों में हिंदू का स्टिकर लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पर वो सब भी गाड़ियाँ दिखा दे रहा हूँ, पर वो चीट कोड सिर्फ इसी जगह पर काम करेगा। तो मैं अब यहाँ पर और भी गाड़ी मंगा लेता हूँ। तो मैं मंगा लेता हूँ एक स्कॉर्पियो, तो मैं एक स्कॉर्पियो मंगा लेता हूँ और ये सिर्फ SUV में काम करता है और ये चीट कोड। और मैं एक लेजेंडर मंगा लेता हूँ, नहीं फॉर्चुनर मंगा लेता हूँ। तो फॉर्चुनर का चीट कोड नंबर है 1000। तो अब हम लोग को इसको भी ब्लैक कलर कर देना है। तो मैं फॉर्चुनर को जल्दी से ब्लैक कलर कर देता हूँ। और इस पर इसमें स्टिकर लगाने का चीट कोड दूसरा है, वो मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊँगा। और स्कॉर्पियो में भी ब्लैक कलर कर देता हूँ। उसके बाद इसमें दूसरा चीट कोड नंबर डायल करूँगा। तो इसको मैं जैसे ही डायल करूँगा तो इसमें भी इस हिंदू का स्टिकर लग जाएगा। तो मैं ये चीट कोड जैसे ही डायल किया, इस गाड़ी में हिंदू का स्टिकर लग चुका है। तो मैं इसे बाद में दिखाऊँगा, पहले फॉर्चुनर में भी हिंदू का स्टिकर लगवा लेते हैं। तो फॉर्चुनर में भी हिंदू का स्टिकर लगाने से यही काम करना पड़ेगा, बस चीट कोड नंबर दूसरा है। तो इसमें भी अब हिंदू का स्टिकर लग चुका है, चाहे तो आप लोग देख सकते हैं। और ये हिंदू का स्टिकर बहुत ही अच्छा भी लग रहा है।